हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको दोस्तों जेब्रिट का दोस्तों फ्लास्टिंग है उसका अपर प्लेट आपको लगा के बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके साथ में सबसे पहले जो प्लेट है इसको मैं आपको मतलब खोल अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या दिया गया। और इसका जो दोस्तों प्राइस है प्लेट का वो 2100 रुपीज़ है, यानी 2100 रुपये है। और ये आप देख सकते हो जेब्रिट का दोस्तों प्लेट, इसका लुकिंग आप देख सकते हो कैसा आपको दिख रहा है। तो इस प्लेट को दोस्तों कैसे लगाया जाता है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा लगाकर, और साथ ही साथ आपको दोस्तों पानी भी आपको चालू करके बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लगाने के लिए जो जो सामान दिया गया उसको मैं निकाल लेता हूँ और मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो सब थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है, थोड़ा अलग सिस्टम का ये प्लेट है, आपको देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसका सिस्टम जो है बाकी टैंकों के मुकाबले में थोड़ा अलग है। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो सामान दिया गया था, स्क्रू और वो फ्लासिंग नट सबको मैं निकाल लिया हूँ। और यहाँ पे कैटलॉग दिया गया है आपको कैसे लगाना है, इसमें से आप आइडिया कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मुझे लगाने के लिए इसका जो प्लास्टिक का ढक्कन है इसको आपको नीचे की तरफ अगर आप पुश करोगे तो इसको ये बाहर आ जाएगा। और मुझे चेक करना है दोस्तों एंगल कोक को, सबसे पहले खोल कर पानी इसमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी जो है एंगल कोक खुला हुआ है और पानी इसमें भर रहा है ऑलरेडी। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो है दोस्तों बॉल कॉक है, तो यहाँ से जो है दोस्तों पानी ऑटोमेटिक चालू बंद होता है। और इसको आपको लगाने से पहले एक दो बार आपको फ्लास करके देख लेना है क्योंकि अंदर अगर आप नया काम करते हो तो मतलब अंदर कचरा होता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से पानी दोस्तों साइफन से जाता रहता है। तो एक दो बार आपको पानी भर कर फ्लास कर देना है तो बाद में जो है दोस्तों कोई लीकेज का प्रॉब्लम इसमें से नहीं आएगा। इसके बाद में आपको ये जो अंदर वाला भाग है इसके साथ में आता है, पहले आपको रखना पड़ता है इसको। आपको दोस्तों साइफन का तो घाट में मैचिंग करके अंदर का इसमें आपको ऐसे अंदर दो सिंबल दिखेगा उसमें आपको लगा देना है और आपको ऐसे पूछ करके देख लेना है सही काम कर रहा है नहीं साइफन। उसके बाद में आपको इस प्लास्टिक का जो दोस्तों ग्रिप है इसको फेंकना नहीं है, इसको आपको घाट में मैचिंग करके नीचे दो घाट आपको दिखेगा अंदर जाने का सिस्टम, उसमें आपको ऐसे नीचे की तरफ पहले पुश मतलब ढक्कन को लगाना है और ऊपर का बटन को आपको पुश करना है तो अंदर जो है ये चला जाएगा। उसके बाद में आपको एक आवाज़ सुनने को मिलेगा, यानी ये फिक्स हो गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल लग गया है। उसके बाद में दोस्तों जो दोस्तों फ्लासिंग के लिए जो दो नट दिया गया है प्लास्टिक का डट्टा, इसको सबसे पहले आपको लगाकर चेक कर लेना है क्योंकि जो फ्लास्टिंग होता है कितना अंदर बाहर होता है, सबसे पहले आपको इसको अंदर घुसा कर देख लेना। उसके बाद आपको जितना आएगा उसका होल मैचिंग करके आपको तोड़ लेना है अंदर, वहाँ से हाथ से सब तोड़ सकते हो उस डट्टा को क्योंकि ज़्यादा लंबा रहता है तो दोस्तों प्लेट जो है बैठ नहीं पाएगा। आपको जितना लगेगा उसके हिसाब से घाट में आपको तोड़ लेना है। उसके बाद में इसको मैं लगा देता हूँ, ये दो फ्लासिंग का दो दोस्तों डट्टे को लगा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इस प्लेट को भी आपको लगा के। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अंदर नीचे के साइड में एक स्विच बटन दिया गया है, इसको अगर आप पुश करोगे तो दो इसका ढक्कन जो है निकल जाएगा। ये दोस्तों पुश बटन है, आप रिपेयरिंग में इसको स्विच को है दोस्तों खाली जस्ट आपको पुश करना है, उसके बाद में ये दोस्तों ढक्कन जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। और आपको क्या करना है उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक का दो जो दोस्तों फ्लासिंग नाट है उसको आपको होल मैचिंग करके ऐसे प्लेट को आपको अंदर लगा देना है। और दोस्तों प्लास्टिक का जो फ्लासिंग डट्टा है उसको आपको क्या करना है, प्लेट का अंदर भाग में रखना है उसको, वो जो है दोस्तों बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं जो है दोस्तों आपका पानी जो है फ्लास में जाता रहेगा। उसके बाद आपको सिंपल है दोस्तों, दो जो इसके साथ में लंबा नाट दिया गया था उसको आपको होल में मैचिंग करके आपको लगा देना है, अंदर दो स्क्रू का होल दिखेगा आपको, वहाँ आपको सीधा देख कर आपको लगा देना है और स्क्रू ड्राइवर से आपको इसको ऐसे टाइट कर देना है जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। तो दोस्तों जेब्रिट का प्लास्टिंग का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों इस चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे प्रेस करके चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो है दोस्तों नट को मैं लगा दी हूँ और दूसरा भी नट को मैं हॉल में मैचिंग करके अंदर लगा देता हूँ। और मैं मैचिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको देखकर अंदर साइड में आपको जस्ट ऐसे आपको लगा देना है और ये स्क्रू को जो है दोस्तों लगा कर आपको जो है प्लेट को आपको लेवल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इसमें अप डाउन एडजस्ट भी कर सकते हो, प्रोमोशन आने का रिलेशन चेक कर। तो ये जो है दोस्तों अब जो है प्लेट जो है लग गया है बिल्कुल सक्सेसफुली। अब मैं आपको इसका पानी भी आपको चालू करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे स्विच है, अगर आप मेंटेनेंस की करना चाहते हो तो नीचे का आपको स्विच को जस्ट प्रेस करना है तो ये जो ऊपर का जो ढक्कन है खुल जाएगा और ढक्कन को सिंपली आपको ऐसे
पुश कर देना है तो है लग भी जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक सिस्टम है। अब मैं आपको पानी भी चालू करके बताता हूँ। यहाँ पे दो फ्लश सिस्टम है, एक बड़ा वाला फ्लश जो है फुल फ्लश है और छोटा वाला फ्लश जो है हाफ फ्लश है। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं लीकेज हो रहा है, साइफन से पानी नहीं जा रहा है। अब जो है मैं आपको फ्लश करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप दोस्तों कैमरे में मैं पानी का, तो आज आप दोस्तों आप आवाज़ सुन सकते हो तो कैमरा में आपको नहीं दिख रहा है, अभी आपको दिखेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।